थाने से महज चंद कदम की दूरी पर सीसीटीवी में कैद हुए हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को अगवा करने का प्रयास किया। मामला राजधानी का है, जहां बदमाशों में पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। मकान के रेंट और चाबी नहीं दिए जाने पर बदमाशों ने पीड़ित युवक के साथ मारपीट कर हथियार के बल पर अगवा करने का मामला सामने आया है। घटना सीसीटीवी में कैद है। पटना के पाटलिपुर थाना क्षेत्र स्थित चंद कदमों की दूरी पर घटना घटी है, जहां दूसरी मंजिल पर स्थित सैलून में 7 दिसंबर को अचानक रात 10 बजे 8 से 10 की संख्या में आए बदमाश सैलून के मालिक मोहम्मद फिरोज आलम के साथ मारपीट और उसके बाद उसे इरादतन अगवा कर चार चक्का वाहन में जबरन खींच कर गाड़ी में बिठा लिया और उसे ले गए। मेरे साथ 7 तारीख को रात में कुछ लोग आए, 15-20 लोग। हम लगन का समय था तो हम काम कर रहे थे और आ करके मेरे साथ में मारपीट किए। मारपीट करने के बाद हमको खींचते हुए दुकान से ले करके बाहर गाड़ी में बैठा करके, और एक फॉर्चूनर गाड़ी था और एक स्कॉर्पियो था, बैठा करके हमको अनीसाबाद गुलाम अली नगर ले करके गए और वहाँ पे भी हमारे मेरे साथ मारपीट किए। हथियार ले गए नहीं थी, सबके हाथ में हथियार था। यहाँ पे जितने लोग आए थे उसमें 4 सरदार जी थे, सरदार जी के हाथ में हथियार था और सब सरदार जी सबसे पहले हाथ उठाए मेरे ऊपर, गाली गलौज किए। जिस मकान मालिक के एक्चुअली में हुआ था कि हम किसी के घर में किराए पर रहते थे, तो लॉकडाउन में किराया जो समय पे नहीं दे पाए, बहुत दिक्कत हो रहा था, तो उसी समय में वो लड़का बार बार फोन कर करके हमको परेशान करता था। कौन लड़का? ऐसा नहीं, जिसका जिनके असलम जी का बेटा। कौन है असलम जी का बेटा? असलम जी का बेटा जो किराया लेता था। क्या नाम साहब? ये उनका नाम है हंसु मलिक, उनका बेटा का नाम था। वो आया मेरे साथ, बोला कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। बोले कि ऐसा तो हम कुछ बोले नहीं हैं, ठीक है, तुम पटना में बोले, पटना में हम आ गए हैं और बताओ क्या कर सकते हो तुम मेरे साथ। और इस तरीके से सबसे पहले हाथ उठाया असलम मलिक का बेटा, ठीक है, और हाथ उठाया और फिर हमसे गाली गलौज, बहुत गंदा गंदा गाली दिया, बोला साले तुमको यहाँ से खींच करके ले करके जाएंगे। और उसी दरमियान कुछ उनके साथ में जो आए हुए थे जिनके पास हथियार था, हम कुछ नहीं बोल सकते थे, हम अकेले थे, काम कर रहे थे दुकान में, और हमको ले करके खींचते हुए सीढ़ी से जोर से धक्का दे दिया, जिसके कारण मेरे सर में और हाथ में पाँव में चोट लगा। खींचते हुए गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में बैठा करके सरदार जी लोग जो थे वो लोग बोल रहे थे कि साले जान से मार के फेंक देंगे, तुमको कोई बचाएगा? ये लोग बहुत खत्म आदमी है, बहुत खराब आदमी है, अगर मार करके फेंक देगा तो तुम्हारे साथ कौन क्या करेगा। FIR किया आपने? हाँ, हमने FIR किया। पाटली इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।